नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतीश। दोस्तों यहां मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक और नई टीचर भर्ती। ये टीचर भर्ती बहुत अच्छी है और पे स्केल भी काफी अच्छे हैं, पूरी तरह गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है, तो आप कहीं ये ना सोचें कि ये प्राइवेट जॉब है, लेकिन इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, वो एक बार आप जरूर देख लें क्योंकि फिर इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ में व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप। यहां आप अगर हमारा प्रोमो कोड BOSAGOV40 अप्लाई करेंगे तो आप 40% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को दे सकते हैं एक बेहतर रूप और सिलेक्शन के चांस भी आप बढ़ा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स को देख लें तो इससे आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो। तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें परीक्षा ऐप और दे अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप। तो यहां हम बात कर रहे हैं आदर्श शिक्षक संगठन में निकली भर्तियों के बारे में। तो पदों की संख्या सबसे पहले ले लेते हैं हम, वो है आपकी 878। ये टीचर्स के पद हैं और काफी अच्छी वैकेंसी यहाँ है। इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, प्रिंसिपल के पद हैं, इसके अलावा TGT के हैं और साथ साथ ही आपके PGT के पद भी हैं। तो इनके लिए एज ग्रुप जो रखा गया है वो 21 साल से 50 साल तक रखा गया है। अगर आप PGT के लिए अप्लाई करते हैं तो 21 से 32 वर्ष आपकी एज होनी जरूरी है और अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 32 से लेकर के 50 साल होना जरूरी है। अब बात करते हैं हम इसकी लास्ट डेट की, तो 15 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ज्यादा डेट नहीं बची है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल कर लें। एग्जाम तीन तरीके से होगा, पहला आपका CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और स्किल टेस्ट भी होगा, यानी कि आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, उसमें आपको अच्छे नंबर आते हैं, पसंद किया जाता है तो ही आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, योग्यता की बात करें तो प्रिंसिपलशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है PG होना जरूरी है, साथ साथ BEd भी किया हुआ होना चाहिए और इसकी फीस जो है वो 1500 रुपये रखी गई है। बात करेंगे TGT की तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि ये TGT का मतलब क्या होता है, ग्रेजुएट टीचर्स की ही वैकेंसी होती है, तो यहाँ TGT के साथ साथ आपको BEd भी किया हुआ होना चाहिए, 1000 रुपये आपकी इसमें फीस रखी गई है। PGT की बात करेंगे तो PG होना चाहिए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स है तो इसकी फीस भी 1000 रुपये रखी गई है। प्रिंसिपल की बात करें तो पदों की संख्या में तो 145 पद हैं प्रिंसिपलशिप के लिए, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी PGT और TGT की बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो देखिए PGT में जो है आपके इंग्लिश की पोस्ट है इसमें 81, ठीक है, फिर सुन लीजिए, PGT में इंग्लिश की पोस्ट है 81 और फिजिक्स की पोस्ट है 30, ठीक है, केमिस्ट्री की पोस्ट जो है वो है 88 और बायो की बात करें तो 49 और गणित की बात करें तो 58, ये आपकी पोस्ट है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वालों के लिए अच्छी खासी संख्या में यहाँ पद हैं, साथ साथ आपके इंग्लिश के लिए भी यहाँ पदों की संख्या दी गई है। अब TGT की बात करें तो इंग्लिश के लिए 59 और SS यानी कि सामाजिक अध्ययन की बात करें तो 38 और उड़िया की बात करें तो 55 पोस्ट है, यानी कि ये वैकेंसी जो मैं बता रहा हूँ ये उड़ीसा स्टेट के लिए है। अब बात करेंगे मैथमेटिक्स की तो यहाँ 48 हैं और विज्ञान की बात करें तो 58 है, यानी PCM वालों के लिए ये पद हैं, वैकेंसियाँ हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि यहाँ पैसा अच्छा मिलने वाला है। अब बात करेंगे PET की, तो PET के भी यहाँ काफ़ी सारे पद हैं, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के, तो यहाँ पदों की संख्या 59 है जिसमें आपको DPED या BPED किया हुआ होना आवश्यक होता है। कंप्यूटर टीचर्स के लिए भी वैकेंसी है यहाँ, जो पदों की संख्या 60 है जिसमें आपको आपने BE किया हो या BTEC किया हो, MSc या BSc किया हो लेकिन कंप्यूटर साइंस से होना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है, साथ साथ आपका ITA BCA भी होना जरूरी है, यानी कि ये MCA BCA वाले MSc BSc यानी कंप्यूटर साइंस से BTEC BE ये 6 जो क्लासिफिकेशन से ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डिटेल चाहें तो वहां देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट में बताएं, अगर चैनल पसंद आ रहा है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।